ये देखें भाई, हमारी बकरी ने हमारी गैर मौजूदगी में बच्चा दे दिया है। ओ यार क्या बात है। एक मिनट, मुझे पहले दूर से दिखाएं। ऐसे उठाओ ना प्यार। कितना प्यारा है यार सितेन। क्यूटू है यार। तो यार अभी हम ना छोटी को नहला रहे हैं, और छोटी तो आप देख रहे हो वीक थोड़ी थोड़ी लग रही है, क्या वजह? काफी वीक लग रही है। यहाँ से देखो हड्डी, ये देखो ये ऐसे ही होती होंगी यार। यार मुझे लगता है कि वीक हो गया ये। तो इसका क्या इलाज है? खिदमत करेंगे, हमारी छोटी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी पहले की तरह। अभी मैं इसको देसी घी खिलाओ तो आप, देसी घी मक्खन। हाँ पीती है माँ का, देसी घी कैसे खिलाऊंगा मैं वाला, वो फिर उसका पेट खराब। ओए पागल, बच गई। इसको संभाल ही नहीं पा रही, तुम कह दो कि और चीजें दो, अभी माँ का दूध पिएगी फिर पिए। अच्छा अच्छा, इसको ले चलो, इसको ले चलो, गिर गया बेचारा। ये लड़का है लड़की है? तुम्हें नहीं पता इसका नाम, हमने छोटी रखा है। लड़की है? लड़की होती तो छोटा नहीं, लड़का होता तो छोटा नहीं रखते। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको देखे यार, ये भी नहीं पता ये नर है या मादा है, बोला हुआ था मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार छोटी को हमने नहला लिया, अब हम इसको वापस बंद कर देते हैं अपने घर और इसकी माँ के पास। दरवाजा खोलो सिप्तान, चलो शाबाश, आ जाओ छोटी, शाबाश तुम भी आ जाओ, फ्रेश हो गई हो ना अब तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। तो यार थोड़ी देर पहले हमने रानी को भी नहला लिया था, फिर छोटी की बारी थी, तो मैंने सोचा कि भाई हम दोनों को नहला लेते हैं, दिन बहुत गर्म है। क्या हुआ सिप्तान, नहीं करो यार, क्या हो गया? चुप करो तुम, इसके बारे में मैंने सोचा हुआ है कुछ, आ जाओ तो मैं बताता हूँ। मैं घर की सफाई भी नहीं हो पाती, हम डरते हैं ना इस वजह से। तुम छोटी को बंद करो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है कैसी के साथ। आज हो गया, आ जाओ तुम्हें अब मैं बताता हूँ कैसी के बारे में। हाँ। कैसी को पता है हमने यहाँ से शिफ्ट करना है न्यू वाले मिनी जू में, सही है? मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या है। आज मोर ना इसके साथ में ठहरा हुआ था, अपने पर पूंछ फैलाए हुए थे बिल्कुल, सही है? और ये कैसी डर के उसको टांग मारी, वो बेचारा बच गया सिप्तान। अगर मोर को टांग लगती ना वो उसी टाइम मर जाता। हाँ वो वही जो डांस करता है मेल। फिर अब मैंने सोचा यार यहाँ पर बकरियां भी आती हैं, मोर भी आते हैं, तो कैसी को हमने न्यू वाले मिनी ज़ू में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये ज्यादा अभी नहीं करते यार, किसी यार, जब तक पूरा नहीं बनेगा शिफ्ट नहीं करेंगे यार। मोर मर जाए फिर अच्छा, मोर को शिफ्ट कर दो ना, इसको कोने में खड़ा कर देंगे, कैसी को कुछ नहीं होता, वहां पर जाएंगे उसकी देखभाल करेंगे, वहां पे कोने में खड़ा कर देंगे, फिर ना बाउंड्री है ना कुछ है, जो भी है सबको मारती रहेगी, कोई नहीं आएगा, सबको पता है बड़े होते हैं वहां पे, बच्चे कोई नहीं आता। मैं तो ज़ूम में नहीं जाऊंगा फिर, तुम ना जाना, लेकिन कैसी को बंद करते यार, यहाँ पर नुकसान करेगी, या बकरी मर जाएगी या मोर मर जाएगा। जल्दी 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 आओ, आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। वो देखो शिकरा आया हुआ है, शिकरा बोले तो बस। तो इस जगह पर दोस्तों बैठा हुआ था एक शिकरा, जो कि हमारे मास्टर केज के बर्ड्स को देख रहा था गौर करके, और उसका दिल मचल रहा था कि मैं इनको किसी तरीके खाऊं। सितेन देख रहे हो, शिकारी बिल्लियों के साथ साथ शिकारी परिंदे भी आने लग गए हैं। अब शिकारी परिंदे आए जाएं, बिल्लियां आए जाएं, लेकिन अंदर तो नहीं जा सकती, कैसे उठाएंगी ये बात है। बात तो ठीक है सितेन की दोस्तों, हमारा मास्टर केज बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, कुछ भी नहीं कर सकते ना बिल्लियां ना शिकरे वगैरह, बस देखते रहेंगे और यही कह के चले जाएंगे कि अंगूर तो खट्टे हैं भाई, ये हमारे बिल्कुल सेफ परिंदे हैं। आज सुते नीचे चले। चलो यार मैं डर गया था यार कि क्या आ गया ये, मैंने दरअसल ना ऊपर से उड़ते हुए देखा था, यहाँ पर ऐसे ठहरा हुआ था आसमान में ना, जैसे स्टॉप होके शिकरे करते हैं, मैं भाग के आया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर यहाँ पर बैठा हुआ था। दोबारा भी आ सकता है, लेकिन आ सकता है, लेकिन नहीं कर सकता, पकड़ लेंगे इसको भी फिर, पर निकाल के आजाद कर, पर निकाल के आजाद, सजा तो देनी चाहिए ना। तो आज दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अपनी मुर्गी के सारे चूजों को बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि जब से ये बच्चे बेचारे आए हैं ना अंडों से बाहर, इन्होंने बाहर के नजारा नहीं देखा भाई, बाहर हमारा मिनी ज़ू कैसा है, घर कैसा है। हटो भाई सिप्तान, मुझे निकालने दो, निकालो, बहुत एक्टिव हो गए भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, देखो कितनी तेज है सिपी भाई, ये बाहर निकालना जरूरी है क्या इनको? जरूरी है। अच्छा निकालो, हाँ कीड़े मकोड़े खाएंगे बाहर है ना, ये तो मार रही है तराब। मुर्गी माँ हुई, अच्छी माँ कहाँ हुई, वही मुझे मार रही है, मतलब बच्चों को सिक्योर कर रही है सत्यन, क्या हो गया? अच्छा 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 अच्छा, अच्छी माँ हो यार तुम। हाँ, मैं उठा रहा हूँ बच्चे, उठा रहा हूँ दे रहा हूँ, ये लो देखो कैसा है। हाँ भाई इधर देखो जरा, क्या बात है, कितना क्यूट है यार ये, और भी ले और भी ले, ये भी दे दो, क्यूट क्यूट, नीचे, नीचे ना, ये खुद भी जम नहीं कर रहे, इनमें है इतना अकल है ना,
नहीं तो जंप कर सकते हैं। बेचारे पहली दफा इतना ऊंचाई पे है ना। अच्छा ये कौन सा 10वीं मंजिल पे है। चलो भाई चलो 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 चलो। तो हमने दोस्तों 6 के 6 बच्चे उठा लिए हैं, हमने बाहर आ गए हैं। कहाँ छोड़ना है इनको? इनको ना यहाँ पर छोड़ देते हैं। और इनकी माँ? इनकी माँ खुद ब खुद आ जाएगी। चलो भाई वेलकम। कितना छोटे छोटे, मुझे तो बचपन याद आ गया इनको देख के। बचपन में भी हम ऐसे चूजे लेके आते थे और उनसे खेलते थे। यहाँ पर देखिए इनकी माँ कितना परेशान हो रही है, तो इसके लिए भी अगर रास्ता हम खोल लेते हैं। आ जाओ यहाँ से, यहाँ से देखिए मैंने ना खिड़की खोल दी, यहाँ से बाहर आ जाएगी ये। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे बच्चे बाहर हैं, क्या कर रहे हो इधर? हाँ आ जाओ, ये देखें यार ये आ गई माशाल्लाह। अब हम ये सारा कुछ बंद कर देते हैं, ये वाला भी बंद कर देते हैं। अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू हुआ है। पहले तो तुम्हें इसमें सिक्योर थी ना, अब तुमने सब चीजों से बचाना है इन चूजों को, ठीक है? हाँ, सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचा सकते हैं इन चूजों को, चुटकी चुटकू वगैरह। लेकिन इतना नुकसान नहीं करेंगे ये लोग, बस डराते हैं, ये हमला नहीं करते। आज तक इन्होंने कोई भी हमला नहीं किया किसी छोटे परिंदे जानवर पर। बाहर आते ही दोस्तों देख रहे हैं मुर्गी ना बाथ लेने लग गई है, मिट्टी में नहाने लगी है और अपने बच्चों को सिखा रही है कि भाई ऐसे नहाते होते हैं, और बच्चे भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अपनी माँ के नीचे आ रहे हैं, ये भी नहाएंगे। सिप्टेन देख रहे हो? माशाल्लाह यार बहुत ही क्यूट मोमेंट है ये। ये पानी में नहीं नहाते हैं, मिट्टी में नहाते हैं। बराबर एक मिनट देखा, ये पानी में नहीं नहाते, मिट्टी में नहाते हैं ना। तो पानी में नहाएंगे यार, नहाने का लफ्ज क्यों यूज कर रहे हो फिर? इसके लिए कोई और लफ्ज यूज कर रहे? यार इनका होता है ना ये मड बात होता है भाई इनका। मड बात जी हाँ। चलो भी चलो नहाओ और बच्चों को भी सिखाओ, हम थोड़ी देर में आएंगे और यकीनन तुम्हारे बच्चे भी साथ में तुम्हारे साथ नहा रहे होंगे। ओके बाय भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो कल दोस्तों बहुत सारे भाई हमें कह रहे थे कि भाई आपने सब परिंदों को दिखाया लेकिन चिक्की को नहीं दिखाया। ये भी हमारी चिक्की, ये कहीं नहीं गई थी, बस मैं आपको दिखाना भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा। तो जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो फिर मुझे याद आया यार मैंने तो चिक्की को ही नहीं दिखाया, सब इतना बोल रहे हैं। तो अब देख लें दोस्तों, ये है हमारी चिक्की, वही हरकतें कर रही है जो पहले करती थी। हाँ भाई तुम कैसी हो, ठीक हो ना? ठीक ही हो यार, जैसे कर रही हो ना मुझे पता है तुम ठीक हो बिल्कुल। ओके वो तुम क्या कर रहे हो अब, कैसे आओगे अंदर से? देखना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर उन्होंने सही बनाया। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है ना? हाँ ना, बहुत खूबसूरत है। डूबेंगे भी नहीं, यहाँ तक पानी होगा, जब नहाएंगे ना मजा आएगा। तुमने नहाने के लिए ये किया था और क्या करना है इसमें? पागल हो, डैम बनाना है। कोई हाल नहीं है यार, नहीं नहा सकते, अपना स्विमिंग पूल और बनवा लेना भाई। तुम्हें ज्यादा बाहर यहाँ से आ जाओ ना, इधर से यहाँ पाँव रखो और आ जाओ। चलो शाबाश, टूट जाएगा, मैं ऐसे आ सकता। आ जाओ आ जाओ, अगर आ सकते मैं चैलेंज देता हूँ तुम्हें, तुम नहीं आ पाओगे सिप्तान इसके बगैर। हाँ नहीं आ पाओगे। हैं सेम यार, ऐश की तरह तुमने किया। यार केले के सारे दरख्त ना सूख चुके हैं, ये वाला भी, ये कोई काम का नहीं है। तो अबे क्या किया तुमने? ये कैसे होंगे यार, ये नहीं हो सकते आप। हाँ के बच्चे निकलेंगे छोटे छोटे। अच्छा बच्चे, तो वही बच्चे ले लेते, इतना बड़ा लेने की क्या जरूरत थी यार। हमने ना जिस भाई को बोला था कि हमें चाहिए बनाना ट्री बड़े वाले, वो हमें बड़े वाले बनाना ट्री दे तो गया, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि भाई ये नहीं होंगे, ये सूख जाएंगे, ये अपने बच्चे निकालेंगे। वो भी लेके आ गए, ये हफ्ते में के अंदर अंदर सूख गए। अब देखे बिल्कुल खत्म हो गए। यार एक किस्म का धोखा हो गया हमारे साथ। तो यार हमारी ब्लैकी ना उस वाले जू में तो नहीं आती, लेकिन इस वाले जू में जरूर आती है देखने के लिए कि भी क्या पता मेरा घर यहाँ पे बन जाए। और ब्लैकी तुम्हारा घर इधर ही बनेगा, प्यारा सा घर बनाएंगे। आ जाओ अंदर, शाबाश, आ जाओ आ, कोई खतरा नहीं, आ जाओ। हमारी ब्लैकी ना चिक्की से डर रही है कि मुझे मारे ना चिक्की, लेकिन चिक्की भी शरीफ है, ब्लैकी तुम्हारी तरह, आ जाओ कुछ भी नहीं कहेगी। आ जाओ, शाबाश। नहीं आ रही यार, जा चली गई। तो काफ़ी टाइम से दोस्तों हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, देख रहे हैं यार तकरीबन 1 घंटा हो गया हम खड़े हुए हैं लाइन में, और अभी अभी मुझे व्हाट्सएप पर पिक्चर भेजी है वहाब भैया ने। सितैन भाई दिखाओ, ये है, ये देखें भाई, हमारी बकरी ने हमारी गैर मौजूदगी में बच्चा दे दिया है, देख रहे हैं कितना प्यारा है। अभी उन्होंने बोला एक दिया है, आप जल्दी से घर आ जाओ, और क्या पता ये दूसरा बच्चा अभी दे दे। तो अभी हम जल्दी से पहुंचना चाहते हैं, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा ही सोचा हुआ है हमारे लिए। ये देखें कितना ट्रैफिक ब्लॉक है यार, सिप्तान भाई उड़ के जाओ यार अब। यार काश ऐसा भी हो सकता, मैंने तुम्हें बोला था सिप्तान मुझे यहाँ रहने दो, बाद में काम जाएंगे। नहीं तो आप जल्दी से आ जाएंगे, अब फंस गए ना। मुझे नहीं पता था 5 मिनट का रास्ता था, 5 घंटे हो गए। मुझे पता था कि यार हमारी बकरी ना बच्चा दे देगी किसी टाइम भी। सिप्तान ने बोला यार 5 मिनट का काम है, जल्दी से हम आ जाएंगे, बस फिर फंस गए। अब देखे यार मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैंने जल्दी से पहुंचना है घर, लेकिन ट्रैफिक बंद है। तुम्हें कैसे पता चलना था कि उसने दे देना आज ही अभी? यार वो पता चल जाता है ना मुझे, साइंस होते हैं। हाँ ना, नहीं होते क्या? तो खैर दोस्तों अब हम घर पहुंचते हैं, फिर आपसे वहां पर ही मिलते हैं। यहाँ पर पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, चले मिलते हैं थोड़ी देर में।
आजो सिपी आजो। ओ यार क्या बात है, एक मिनट मुझे पहले दूर से दिखाएं। ओए होए क्यूट बेबी, सितन उठाओ। क्या हुआ, ऐसे उठाओ ना प्यार। ओए कितना प्यारा है यार सितन, क्यूटू है यार, बहुत प्यारा है यार, इसके कान भी बहुत खूबसूरत हैं। क्या बात है, बस और भैया एक ही है। एक है, एक ही है। फिर आपने बोला था कि दो देगी शायद। नहीं शायद था वो, बस कन्फर्म नहीं था। तो यार हमारी बकरी ने एक ही बच्चा दिया है, हम समझ रहे थे दो बच्चे होंगे लेकिन एक ही दिया है। और मुझे दो भाई सिप्तान। क्यों मैं क्यों दूं? नहीं मेरा है भाई, ये खर्च नहीं मारते सिपी दो। ए किधर घुमा रहे हो, मुझे उठाने तो दो यार, कितना क्यूट है, आ जाओ मेरे पास आओ। ओए 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 कितना प्यारा, बहुत प्यारा है यार सिप्तान। आ जाओ, उसकी माँ रो रही है। अच्छा अच्छा ले चलते हैं यार, बिल्कुल स्नो के ऊपर गया। नहीं इसका मुंह गोल गोल है यार, गोल गोल। हाँ भाई कैसी हो तुम, ये तुम्हारा बच्चा, ये बिल्कुल ठीक है ना तेरा? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा that's good। ये देखो कैसे प्यार कर रही है। तो यहाँ पर देखे दोस्तों, मेरे हाथ में है बकरी का बच्चा और सिप्तान के हाथ में है रैबिट, और देखे दोनों के साइज तकरीबन एक ही जितना है। ये बड़ा है, नहीं रैबिट, एक एडल्ट रैबिट एक बकरी के बच्चे से बड़ा है। देखे बल्कि मुझे दिखाओ, मैं कहीं से दोनों को दिखाता हूँ। वो भी वैसे करने लग गया। अच्छा मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मेल है, हम समझ रहे थे कि ये फीमेल है शुरू में, लेकिन अब कन्फर्म हो गया कि मेल है ये। तो इसको हम अपनी माँ के पास छोड़ देते हैं और इसको पिलाते हैं अपनी माँ का दूध। वो खुद नहीं दे रही? नहीं दे रही ना वो। ये कैसी माँ है यार, पागल है। इसको लेके आओ, आगे लेके आओ, पकड़ो, चलो चलो ये लो पियो, शाबाश। तो आप चलो ट्राई करो ना। आजा भाई आजा, हाँ तो पी तो रहा है। नहीं 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 अब पिएगा। हाँ अब पिएगा ना, सीखेगा टाइम लगेगा। इधर आओ चलो, शाबाश। बहुत यार खुशी हो रही है मुझे, हमारी बकरी ने आखिरकार बच्चा दे दिया। हम समझ रहे थे कि यार मलेशिया में हमें ना खुशखबरी मिलेगी, कॉल आएगी वहां पे, लेकिन हम पहुंच गए पाकिस्तान में, फिर हमें खुशखबरी मिल गई, खुद देख लिया हमने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसने कहा आप लोग आ जाओ मैं फिर दूंगी, इसलिए टाइम लगाया उसने। सही कह रहे हो तुम। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।